उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के साथ ही चुनाव अधिक दिलचस्प और अब असरदार होता जा रहा है, जहां आज कन्नौज से अखिलेश यादव ने अंततः अपना नामांकन कर दिया। अब चर्चा है कि अमेठी से जल्द ही राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो चर्चा इस बात की है कि राहुल और प्रियंका अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने भी जा सकते हैं। अब कन्नौज में अखिलेश के नामांकन के बाद दो तारीखें उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण कही जा रही हैं, 1 मई और 2 मई। क्या इन दोनों तारीखों, दोनों दिनों पर राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से अपना नामांकन करेंगे? इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब सब आएंगे, सब लड़ेंगे और सब जीतेंगे, यूपी में अब सजेगी महफिल। तो अखिलेश यादव ने अपना नामांकन भरने के बाद राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा और प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर के बाद ये बड़ा बयान दिया। तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं? अरे सब आएंगे, अब तो महफिल यूपी में ही सजनी, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज वो किया कि अपने उम्मीदवार को एक बार फिर से बदल दिया। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी अगर चुकी है, लेकिन कन्नौज से जैसे ही अखिलेश यादव ने नामांकन किया, वो चुनावी लड़ाई को दिलचस्प उन्होंने बता दिया, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने पहले ही ये कहा था कि अगर अखिलेश यहां से चुनाव लड़ेंगे तो कुछ दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, तो वही टक्कर दे सकते हैं। अब अखिलेश यादव ने जब नामांकन कर दिया तो सुब्रत पाठक ने कहा कि देखिए मेरी बात अखिलेश ने मान ली, मैंने तो पहले ही कहा था कि अखिलेश ही टक्कर दे सकते हैं और कोई मुझे यहां से टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की ये जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गई। यादव ने अपना नामांकन कन्नौज से भर दिया है, लंबा सस्पेंस का अंत हो गया है और कन्नौज सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है अखिलेश यादव ने। लगातार इस सीट को लेकर अटकलें थी, चर्चा थी, विमर्श था कि क्या अखिलेश यादव को यहां से पर्चा भरना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता रहे उन सब की तरफ से ये कहा गया कि आप ही यहां से चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव ने शुरुआत में तो ऐसा निर्णय नहीं लिया और अपने भतीजे तेज प्रताप को यहां से चिन्हित किया, नामित किया कि वो यहां से उम्मीदवार होंगे, लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव ने पर्चा अपना यहां से भर दिया है। कन्नौज से पर्चा भरते ही उनके पूरे समीकरण यहां से बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी जरूर हैं, लेकिन अब मुकाबला बहुत अधिक कठिन यहां पर हो चुका है, बहुत कड़ा यहां पर हो चुका है। और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि केवल कन्नौज नहीं बल्कि बाकी सीटें, इसके आसपास की जितनी सीटें हैं वहां पर भी प्रभाव पड़े। हम अगर कन्नौज सीट को ही देख लें, अखिलेश यादव के बाद से, यानी अखिलेश यादव ने जब इस सीट को छोड़ा उसके बाद से जीत हार का फासला यहां पर 20,000 के अंदर ही रहता था, चाहे यहां से डिंपल यादव जीती हो या फिर सुब्रत पाठक जीते हो। लेकिन क्या अखिलेश यादव आकर इस सीट से पूरी तस्वीर को बदल पाएंगे? क्या वो मुकाबले को एक तरफा कर पाएंगे या फिर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक जो दावा करते हैं कि अब मुकाबला रोचक होगा? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कन्नौज आज तक। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और लगातार मीडिया देख रही है हॉट सीट में गिनती बढ़ती जा रही है, आप कैसे देख रही हैं उनके सिस्टम को? पूरा प्रदेश ही हॉट होते जा रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी के पहले चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया। ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं, जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर, वो
कन्नौज की क्रांति वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। हराने का मजा आएगा। अभी तक ऐसा लगता था कि वो बच बच करके भाग रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव जब श्रीमती डिंपल यादव जी यहां से हारी थी, तब चुनाव श्री अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे थे, डिंपल यादव जी नहीं लड़ रही थी। अब वह स्वयं मैदान में आए हैं, अब सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं है। अब की बार बड़ी पराजय श्री अखिलेश यादव जी को कन्नौज की जनता देने वाली है, कमल खिलाने वाली है, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने वाली है, और उनका भ्रम कन्नौज भी तोड़ेगा और यूपी भी तोड़ेगा। आप कह रहे हैं कि मुझे रोमांचक लग रहा है अब ज्यादा अच्छा देखो कुल मिलाकर सभी लोग सही है, जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। एक निर्दलीय भी भरता है ना, तो वो भी जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि चुनाव कोई भी हो रोचक होना चाहिए। अब ये चुनाव निश्चित रूप से यहाँ रोचक हो गया है। हम कन्नौज की मिट्टी के लोग दूसरे तरह के होते हैं। मुकाबला बराबरी का हो, मुकाबला रोचक हो तो अच्छा लगता है। एक बार डिंपल जी जब जीती तो फासला कम था, 16,000 के आसपास। आप जीते तो भी फासला कम था, लगभग 12,500 के आसपास। अखिलेश यादव जब जीते थे तो 1,00,000 से ऊपर का फासला था। देखो जब डिंपल जी जीती थी तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सत्ता का किस प्रकार का दुरुपयोग हुआ था सभी ने देखा था। और उसके बाद में जब मैं जीता था तो सपा बसपा का गठबंधन था, और उसके बाद इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है। और आप मान के चलो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हार भी सुनिश्चित है। अखिलेश जी ने आज नामांकन अपना दाखिल कर दिया। यहाँ से केवल इसी सीट पर नजर है आपकी या इसके जरिए और सीटों पर? सारे उत्तर प्रदेश पर। पर यहाँ पर सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि बस मामला रोमांचक हुआ है, जीतेंगे तो कोई रोमांचक नहीं। जमानत जब्त सुब्रत पाठक, जमानत जब्त होगी, नोट डाउन। अखिलेश के कन्नौज से उतरने के बाद बीजेपी मुलायम परिवार के सदस्यों के मैदान में आने की बात याद कराते हुए अब परिवारवाद का सवाल उठाने लगी है। उत्तर प्रदेश में इस बार कन्नौज से खुद अखिलेश यादव उतरे हैं, तो मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान हैं, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को उतारा गया। फिरोजाबाद से परिवार के ही अक्षय यादव चुनाव मैदान में हैं। अब परिवारवाद के प्रश्न पर राम गोपाल यादव का आप जवाब भी सुनिए। परिवारवाद होता ही नहीं है। अगर परिवारवाद बुरा होता तो हिंदुस्तान के लोग गणेश जी की पूजा नहीं करते, कार्तिकेय की पूजा नहीं करते, पार्वती को माँ नहीं कहते क्योंकि शंकर जी के पुत्र पुत्री सब थे, सीता को माँ इसलिए कहते भगवान राम की पत्नी थी, राधा को इसलिए पूजते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी, उनके उनमें यकीन करने वाली थी, उनके पर समर्पण था पूरा, तो इस देश की पुरानी पंचायत। तो एक तरफ ये आरोप लगाते और दूसरी तरफ और आरोप लगाने वाले कौन है? कोई परिवार वाला आरोप लगाए तो ठीक भी है, जिनका परिवार नहीं है वे आरोप लगाते हैं। अब ये उनके परिवार नहीं है तो मैं थोड़ी इसके लिए दोषी हूँ? ये उनकी कुंठा है जो बाहर आके निकल रही हो, चाहे बाबा हो चाहे मोदी जी हो।